चुलबुली खूबसूरत एक्ट्रेस यामी गौतम एक बार फिर लाइमलाइट में है, लेकिन अपने खतरनाक अवतार को लेकर। दरअसल ये खतरनाक लुक उनके आने वाली फिल्म अथर्सडे से, जिसके टीजर से ही लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। लंबे इंतजार के बाद यामी ने एक नए रूप में नए एक्शन से लोगों को सच में इम्प्रेस हो गए हैं। वैसे यामी को हर बार उनकी जबरदस्त स्टाइल से लोगों को अट्रैक्ट करती आई हैं। इससे पहले यामी के ब्राइडल लुक ने भी सबको खूब इम्प्रेस किया था। सिंपल सोबर, एकदम पारंपरिक तरीके से शादी करना और अपनी शादी पर माँ की पुरानी साड़ी व ट्रेडिशनल पुश्तैनी गहने पहनकर यामी ने हर किसी का दिल जीत लिया था। इसी के साथ यामी ने अपनी शादी में एक और खास चीज पहनी थी जिस पर लोगों का ध्यान गया था। अगर आपका ध्यान भी उसी चीज पर पड़ा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आपको बताते हैं वो क्या खास चीज जिसे यामी ने शादी के बाद भी काफी समय तक पहनती रही थी। भारत में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ का खान पान, पहनावे, रीति रिवाज और ट्रेडिशनल परिधान और अपनी अलग संस्कृतियों की झलक दिखती है। एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुँचते पहुँचते भाषा और रीति रिवाज बदल जाते हैं। कहीं पर बिना सहरे के दूल्हे से घर नहीं निकल सकता तो कहीं दुल्हन आंखें बंद करके या पत्तों से चेहरा छिपाई मंडप में प्रवेश करती हैं। उसी तरह यामी ने अपने कल्चर को दिखाया था। यामी गौतम ने खास पहचान रखने वाले कश्मीरी इयररिंग्स पहने थे जिसे देजीहोर कहते हैं। देजीहोर को कश्मीरी औरतों की सुहाग की निशानी माना जाता है। दरअसल उन्होंने उरी फिल्म के निर्देशक आदित्य धर से शादी की है जो मूल रूप से कश्मीर से ही है, इसलिए उन्होंने शादीशुदा कश्मीरी औरतों की खास पहचान रखने वाले देजीहोर पहने थे जो झुमकों की तरह होते हैं। ये कान के ऊपरी भाग में कंधे तक लटकते रहते हैं। कहा जाता है कि देजीहोर हर कश्मीरी पंडित महिला के विवाह का प्रतीक होता है। माना जाता है कि महान कश्मीरी आचार्य इनकी बनावट रच गए थे ताकि विवाहों में दैवीय शक्ति समा सके। सिर्फ यामी ही नहीं, बॉलीवुड की बहुत सी हसीनाओं ने अपनी शादी में अपने वेडिंग लुक कल्चर की खास झलक दिखाई। ऐश्वर्या राय बच्चन और शिल्पा सेठी। ऐश्वर्या और शिल्पा दोनों ही मैंगलूर के तुलु भाषी परिवार से जुड़ी हुई हैं। दोनों एकदम परफेक्ट साउथ इंडियन लुक में दुल्हन बनी थी। सिर पर मांग टीका और माथा पट्टी दोनों को जोड़कर उनका गहना बनाया गया था जो साउथ की ब्राइड जरूर पहनती है। ऐश्वर्या तो साड़ी से लेकर बालों के हेयर स्टाइल तक गहनों से लदी थी। उन्होंने अपनी दोस्त और इंडिया की फेमस कॉस्ट्यूम एंड फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला की डिजाइन की ऑथेंटिक काजीवरम साड़ी पहनी थी जिस पर सोने के धागों का वर्क किया गया था। साड़ी और ब्लाउज पर स्वारोक्सी क्रिस्टल लगे थे। 22 कैरेट गोल्ड के गहनों से लदी ऐश्वर्या ने हेयर पीस भी सोने की लगाई थी। जेनेलिया डिसूजा और काजोल देवगन। वैसे तो काजोल बंगाली परिवार से हैं, लेकिन शादी पर उन्होंने महाराष्ट्रीयन रीति रिवाज फॉलो किया था। जेनेलिया और काजोल दोनों ही मराठी दुल्हन बनी थी और मराठी दुल्हन के माथे पर मोटे धागों व मोती से बना मुंडा वलिया पहना होता है। दोनों ने ये गहना पहना था। इसी के साथ जेनेलिया और काजोल ने मराठी नथ भी पहनी थी जिसे ब्राह्मणी नथ भी कहा जाता है। विपाशा बसु और मौनी रॉय। विपाशा बंगाल से है इसीलिए वो बंगाली ब्राइड बनी थी। विपाशा ने अपनी शादी में बंगाली दुल्हनों की तरह ही व्हाइट मुकुट और शंख के बने सफेद और कोरल से बने लाल रंग के कंगन पहने थे जिन्हें शंख पोहा कहा जाता है। मौनी रॉय भी बंगाली है। उन्होंने दो रीति रिवाज से शादी की, एक साउथ इंडियन तो दूसरी बंगाली। शंख पोला कहे जाने वाले कंगन मौनी के हाथों में भी थे। बंगाली ब्राइट मुकुट भी पहनी है और पत्तों से चेहरा ढके भी आती है। ईशा देओल। ईशा देओल भी साउथ इंडियन है और वो भी साउथ इंडियन ब्राइट बनी थी। उन्होंने तमिल दुल्हनों द्वारा पहना जाने वाला टेंपल ज्वेलरी पहना था। ईशा की माँ और मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी मूल रूप से तमिलनाडु की है।
और यही वजह है कि ईशा ने अपनी शादी में पारंपरिक अंदाज में हैम्पल डिजाइन के सिर्फ गोल्ड के गहने पहने थे। सोहा अली खान, दिया मिर्जा और करीना कपूर खान। हर मुस्लिम औरत की तरह सोहा और दिया मिर्जा ने पासा पहना था, जिसे झूमर भी कहते हैं। दिया मिर्जा ने भी अपनी पहली शादी में पासा पहना था। दोनों ने ही अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मांग टीका के साथ पासा पहना था। हालांकि करीना कपूर खान मुस्लिम तो नहीं, लेकिन सैफ मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए करीना ने पारंपरिक शरारा सूट पहना और साइड पासा पहना था। करीना कपूर खान ने अपनी सास के उसी पारंपरिक जोड़े को पहना था, जिसे शर्मिला टैगोर ने अपनी शादी के समय पहना था। रस्ट ऑरेंज रंग के इस आउटफिट को बनाने में 6 महीने लगे थे, जिसे बाद में एक बार फिर से मनीष मल्होत्रा ने रीडिजाइन किया था। इस सेट में काशीदाकारी कुर्ता था, जिसके साथ गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाला मैचिंग का दुपट्टा और मिंट ग्रीन हेम लाइट वाला शरारा था, जो रिच एंड हैवी होने के साथ साथ खूबसूरत कढ़ाई के साथ था। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण भी साउथ इंडियन दुल्हन बनी थी और उन्होंने अपनी शादी पर पारंपरिक कांजीवरम साड़ी ही पहनी थी, जिसे तैयार करने में लगभग 45 दिन का समय लगा था। इस खूबसूरत साड़ी पर गंड भेरुंड छाप वाली कढ़ाई की गई थी, जिसके लिए असली सोने के तारों का इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि गंड भेरुंड 2 सिरों वाला पौराणिक पक्षी है, जिसका जिक्र भारतीय पौराणिक कथाओं में भी किया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में औरतें साड़ी में और दूसरे सभी खास मौके पर कांजीवरम साड़ी ही पहनती हैं। ये साड़ियाँ पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कांजीपुरम क्षेत्र में ही बनाई जाती हैं। इसी के साथ उन्होंने माथा पट्टी और माथा टीका अटैच गहना पहना था। तो देखा आपने कैसे इन हीरोइनों ने अपने ब्राइडल लुक के जरिए अपनी परंपरा और कल्चर को दर्शाया। आपको किसकी ब्राइडल लुक और ट्रेडिशनल गहने सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।